नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद सिंह है। मैं जनरल फिजिशियन एंड स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन अकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। आज मैं आपके साथ डेंगू फीवर के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें ये समझना है कि डेंगू फीवर अपने आप में एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। इसका मतलब होता है कि 3 से 5 दिन में डेंगू मोस्टली अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे कंडीशन में डेंगू का मैनेजमेंट पैरासीटामोल और ओरल हाइड्रेशन से होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है डेंगू फीवर के बारे में, वो ये है कि कौन सा ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो कंडीशन होता है जिसमें 2 घंटे तक पैरासीटामोल लेने के बावजूद भी हाई ग्रेड फीवर हो या ओरल इंटेक लिमिटेड हो, जिसमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ रही हो या पेट में दर्द हो या किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो, स्टूल में ब्लड आता हो, यूरिन में ब्लड आता हो, इवन दांत से ब्लड आता हो, या लेडीज के कंडीशन में एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस हो डेंगू फीवर के कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।